लगातार घट रही है। भारत में लगातार पांचवें दिन कोविड 19 के 1 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं, जबकि मौतों की संख्या अभी भी ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट 95.7% हो गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे नरकोटा गांव में कई घरों में मलबा घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार सरकार की ओर से कोरोना से हुई मौत पर नए आंकड़े जारी किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है। शुक्रवार को इस सुनवाई पर चीफ जस्टिस संजय गरोल ने कहा कि अगर हाईकोर्ट इस मामले में दखल नहीं देता तो पता भी नहीं चलता कि कोरोना संक्रमण से बिहार में कितनी मौतें हुई हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ ही भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। जानकारी के मुताबिक अकेले मंदिर निर्माण के लिए देश भर में शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान में भक्तों ने लगभग 700 करोड़ रुपए की धनराशि समर्पित की है। इस भारी भरकम राशि में से ट्रस्ट ने SBI की अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ की FD भी कराई है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम में प्राप्त नंबरों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। ब्रिटेन के जिन इलाकों में डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना के नए मामले बढ़े हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर जांच के लिए सेना तैनात कर दी गई है। ब्लैकबर्न और डार्विन शहर में सेना के सैकड़ों जवान टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की मदद कर रहे हैं। ब्लैकबर्न के 55 केंद्रों में कोरोना की जांच और टीकाकरण किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गुरुवार को एक चीनी नागरिक पकड़ा गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को शक है कि यह चीन का जासूस हो सकता है। BSF के मुताबिक खान भारत में एक वंचित अपराधी है और यहां उसके संपर्कों का पता लगाया जा रहा है। वह पहले भी 4 बार भारत आ चुका था। कोरोना महामारी के चलते पर्यटकों के लिए बंद रहा यूरोप अब धीरे धीरे खुल रहा है। करीब 1 साल बाद यूरोप में अमेरिका और अन्य देशों के पर्यटकों के लिए अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पर्यटकों को कुछ नियम कायदों का ख्याल रखना होगा। यूरोप पिछले साल कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट था। भारत ने चीन से स्पष्ट कहा है कि टकराव के सभी मोर्चों से सैनिकों की पूर्ण वापसी होनी चाहिए। यह दोनों देशों के बीच तनाव कम करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनीतिक बातचीत के पिछले चरणों को मीडिया के सामने उल्लेख किया। शिकागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डिप्रेशन दूर करने का नया तरीका बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है 2 हफ्तों तक नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस सुंघाकर डिप्रेशन के लक्षणों में कमी लाई जा सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है यह तरीका डिप्रेशन से जूझने वाले ऐसे मरीजों के लिए भी असरदार है जिन पर एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का असर नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2 बड़ी हलचल देखने को मिली। पहली ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दूसरी ये कि अपना दल की अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अनुप्रिया मोदी कैबिनेट में वापस शामिल हो सकती हैं। कड़ाके की ठंड, आंधी बरसात, गर्मी और कोरोना का दौर झेलकर किसान आंदोलन 7 माह के पड़ाव में पहुंच गया है। समय के साथ आंदोलन का स्वरूप भी बदला है। कुंडली से लेकर KGP तक 10 किलोमीटर का दायरा आंदोलन स्थल है। संयुक्त किसान मोर्चा यही बैठक कर प्रोग्राम तय करता है। असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने CM की कुर्सी संभालने के 1 महीने में ही विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने प्रवासी मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण की नसीहत दी है। शर्मा ने इसे सामाजिक खतरों से जोड़ते हुए कहा कि प्रवासी मुस्लिम फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दे तो जमीनी अतिक्रमण जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एलोपैथी से इलाज को सबसे बड़ा झूठ बताकर विवादों में घिरे बाबा रामदेव ने यूटर्न ले लिया है। उन्होंने जल्द ही वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। रामदेव ने आगे कहा कि सभी अच्छे डॉक्टर्स भगवान के भेजे दूत हैं। इंदौर शहर में अब कोरोना के कारण हुई बेरोजगारी के साइड इफेक्ट सामने आना शुरू हो रहे हैं। कई लोगों को अपने रोजगारों से हाथ धोना पड़ा है तो वहीं कुछ लोग आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र से। कोरोना के कारण बेरोजगार हुए युवक ने ATM तोड़कर लूटने का प्रयास किया, जिसके पहले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इंदौर के पंडीनाथ थाना क्षेत्र के मोहनपुरा में रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
पीड़िता ने गुरुवार देर रात पंडीनाथ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि उसका देवर कुछ समय से उसके बच्चे पर चाकू रखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा है। पंडीनाथ थाना प्रभारी राकेश मोदी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी देवर के खिलाफ जांच के बाद बलात्कार करने का मामला दर्ज कर फरार आरोपी देवर की तलाश शुरू कर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस निधि भानुशाली रियल लाइफ में काफी एडवेंचरस है। हाल ही में वे अपने एक दोस्त और अपने डॉग के साथ रोड ट्रिप पर निकल पड़ी हैं। निधि की मां पुष्पा भानुशाली बताती हैं कि उनकी ये रोड ट्रिप 2 से 3 महीने तक चल सकती है। महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म गुड बाय की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। विकास बहल के निर्देशन में बनने जा रही इस फिल्म के जरिए पहली बार साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। शूटिंग के बारे में अपडेट बिग बी ने अपने ब्लॉग में दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल करीब है, ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन गंभीर मुद्दा है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर पोजीशन के लिए खिलाड़ियों के नाम पहले से ही तय है। बावजूद इसके कुछ नामों के प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने को लेकर हलचल तेज है। अब शार्दुल ठाकुर का नाम उछल कर सामने आया है। प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने को लेकर शार्दुल के नाम की वकालत पूर्व सेलेक्टर सरनदीप सिंह ने की है। भारत क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर को श्रीलंका दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने फैंस के साथ एक और अच्छी खबर साझा की है। पिछले कुछ दिनों से चहल के माता पिता कोरोना से लड़ रहे थे और अब वह ठीक हो चुके हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए चहल ने लोगों को प्रार्थना करने और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद किया है।